तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि कोरोना का काल विकराल रूप ले चुका है, लेकिन अभी भी आप और हम संभलने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आइए सबसे पहले देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर एक नजर डाल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर 24 घंटे में नया रिकॉर्ड क्या कह रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,52,000 लोग इसके शिकार हो चुके हैं, तो देश में लगातार हालात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। महज 24 घंटे का यह आंकड़ा बेहद डराने वाला है। एक दिन में 838 लोगों की मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रेस्टोरेंट, थिएटर और ट्रेवल पर नई पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा विकल्प जो है महाराष्ट्र सरकार को नजर नहीं आ रहा है। तो आप देखिए जरा इन हालातों को देखिए और समझिए कि देश में कोरोना के हालात कैसे बिगड़ते चले जा रहे हैं। महज 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,52,000 लोग इसके शिकार हो चुके हैं और एक दिन में 838 लोगों की जान चली गई है। लिहाजा बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। अकेले महाराष्ट्र में 8 से 15 दिन के लॉकडाउन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बता दें आपको कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 8 से 15 दिन के लिए लॉकडाउन के लिए सब लोग तैयार हैं। उद्धव ने आज टास्क फोर्स की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद फैसला हो सकता है। आज और कल की बैठक के बाद आखिरी फैसले पर आज मोहर लगनी है। लॉकडाउन के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है, ये कल ही साफ साफ कह चुके हैं उद्धव। लॉकडाउन के बजाय बीच का रास्ता निकाले, ये बात कह रही है बीजेपी। तो देखिए यहाँ पर भी सियासत जमकर हो रही है। कोई कह रहा है कि हम लॉकडाउन की पूरी तैयारी करें, लॉकडाउन के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, तो वही जो बीजेपी दूसरी पार्टी है वो साफ ये कह रही है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, दूसरे विकल्पों पर